बड़ी तो चलो आज आपके साथ शेयर करते हैं हमारी मम्मी की स्पेशल बिहारी स्टाइल मटन करी रेसिपी और ये बेस्ट होती है और बहुत सीक्रेट है तो किसी के साथ शेयर मत करना हम आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं खैर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं बताने जा रहे क्योंकि मेरे को ना इतने सारे मसाले समझ में नहीं आते तो आप लोग देख देख के सीख लेना बाय द वे भी काफी दिनों से नवरात्रि भी चल रही थी ना नौ दिनों का हमने ब्रेक ले लिया था नो नॉन और नौ दिनों के ब्रेक के बाद अगर मटन से अपना उपवास नहीं तोड़ा तो फिर क्या तोड़ा और वैसे भी नवरात्रि के बाद घर में ना हम लोगों को काफी ज़्यादा सर्दी और जुकाम भी हो गया था और ऐसा कहते हैं कि जब तीखे मटन या तीखी चिकन खाओ ना तो सर्दी जल्दी ठीक हो जाती है पता नहीं ये कहाँ तक सच है लेकिन आराम तो काफ़ी हद तक मिल जाता है खैर मटन बन जाती है और साथ में हम लोग बनाते हैं पुलाव और पुलाव भी काफ़ी ज्यादा यमी बनती है और मटन के तो क्या ही कहने आप देख लो देख करके पता चल जाएगा बनते ही हम लोग फटाफट से प्लेट में उसको सर्व कर लेते हैं पापड़ और सैलेड के साथ एंड आह खा के ना मज़ा आ गया